नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से, नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे, सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है, यह जीवन की गति रही है। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर आशाएं जीत की जलती रही है, असंभव होने पर भी संभव की आशाएं हर दम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है, संभव होना है फिर भी। उठो वैरागियों, उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। सभी स्थिर बैठेंगे, आंखें बंद, मन एकाग्र, बुद्धि स्थिर, संपूर्ण अचल अवस्था। न मन की हलचल, न शरीर की, दृष्टि अंतर्मुखी, मैं एक दिव्य आत्मा हूं। मेरी ये देह भी अत्यंत दिव्य है, अलौकिक है। भीतर ही भीतर मन को
शरीर में घुमाएंगे। शरीर की दिव्यता का चिंतन सिर के सिरे से पांव तक, दिव्यता ही दिव्यता, अलौकिकता, अंग प्रत्यंगों में से इस मन को घुमाएंगे। संपूर्ण देह दिव्य है, अलौकिक, द डिवाइन बॉडी। देह में जहां जहां मूर्छा है वहां वहां दिव्यता का संचार करेंगे। इस शरीर में रहते मैं आत्मा सहज अशरीरीपन का अनुभव कर रही हूं। दिव्य शरीर सहज अशरीरीपन इस तन में प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक आलोक ही आलोक, अंग अंग में प्रकाश, मन की आंखों से इस प्रकाश का अवलोकन करें। पीड़ा से मुक्त, भूख प्यास से परे यह देह दिव्य आलोकित है, ऊर्जावान, शक्तिशाली है, पवित्र है। शरीर के एक एक अंग का अवलोकन, मस्तिष्क में पवित्रता, हाथों में पवित्रता, फेफड़ों में, हृदय में, पेट में, हाथों में, पैरों में, अंग प्रत्यंग पवित्रता से परिपूर्ण। मेरी ये देह निरंतर चिरंतर युवावस्था में, कोई थकान नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, ऊर्जा ही ऊर्जा। ऊर्जावान हूं, शक्तिशाली हूं, रोग प्रतिकार शक्ति से परिपूर्ण, सभी विष द्रव्यों से मुक्त, म्यूकस फ्री, केमिकल फ्री, टॉक्सिन फ्री, अविनाशी हूं। रोम रोम पुलक है, रोमांच है, ऊर्जा है, कोई आलस नहीं, कोई सुस्ती नहीं, कोई प्रमाद नहीं,
चीर तारुण्य से भरपूर, काल जयी हूं, मृत्युंजयी हूं, वीर रस से परिपूर्ण हूं, फिर से इस शरीर का अवलोकन ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊर्जा ही ऊर्जा, तरंगे ही तरंगे, ठोसपन स्थूलता नष्ट हो गई, मैं दिव्य हूं, अलौकिक हूं, शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को देखेंगे, शरीर में रहते शरीर से परे हो, बाह्य तापमान के प्रभाव से मुक्त हो, प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो, मेरी ये देह विकारों के उत्तेजनाओं से मुक्त है, रोग शोक पीड़ा सबसे परे हो, मैं दिव्य देह में विराजमान दिव्य आत्मा हूं, डिवाइन बॉडी में स्थित डिवाइन सोल, मैं डिविनिटी का मूर्तिमंत रूप हूं, संपूर्ण काया पालट, संपूर्ण काया कल्प, काया में रहते कायातीत हूं, शरीरातीत हूं, मैं दिव्य चेतना दिव्य देह में स्थित हूं, निर्विकार हूं, चलते फिरते उठते बैठते सदैव एक विलक्षण हल्कापन, निद्राजीत हूं, मैं दिव्य देहधारी एक दिव्य चेतन ज्योतिर्पुंज हूं। ॐ शांति। साखी साखी धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए, जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल, हाकन वाली छैल छबीली भाई, बैठन वाला राम, गाड़ी अटकी रेत में भाई, मजल पड़ी है दूर, धर्मी धर्मी पार उतर गया, पापी चकनाचूर, देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी, जड़ी बूटी तेरे काम न आई, ये राम जब राम के घर की टूटी, चार जना मिल मतो बनाया, बांधी कांठी की घोड़ी, ले जाकर मरगट पे रखिया, फूक दीनी जैसे होली,
बिलक बिलक कर तिरिया रोवे, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। ये शरीर एक गाड़ी की तरह है, संत लिखता है कि इसे थोड़ा सा धीरे से संभाल के एहतियात से हटना है। गाड़ी मारी रंग रंगीली, बहुत रंग बिरंगी है ये गाड़ी, पहिया है लाल गुलाल, हाकन वाला हाकन वाली छेल छबीली भाई, बैठन वाला राम। ये गाड़ी चलते चलते अटक गई रेत में, मंजिल पड़ी है दूर भाई, मजल पड़ी है दूर, धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी चकनाचूर। जो धर्म के मार्ग पर है, जो नीति के मार्ग पर है, जो सत्य के मार्ग पर है, वो उस पार उतर गए, उस पार चले गए। पर जो पापी है, जो इस शरीर को पाप में ढकेल रहे हैं, अनीति के मार्ग पर ढकेल रहे हैं, विकारों में ढकेल रहे हैं, वो सभी चकनाचूर। धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी चकनाचूर, देश देश का बैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी, जड़ी बूटी तेरे काम न आई, जब राम के घर की टूटी। विकारों में ऐसा डूबा हुआ है शरीर, शरीर में दुर्गंध है विकारों की, इंद्रिय इंद्रियों में दुर्गंध है। और जब अटक गई फंस गई ये गाड़ी, दूर दूर से वैद बुलाए परंतु कुछ काम ना आया, चार जना मिल मतो बनाए, मतो अर्थात अर्थी बनाई, लाया जड़ी और बूटी, चार जनों मिल तो बनायो, बांधी काट की घोड़ी, काट की एक घोड़ी बनाई, ले जाकर मरकट पे रखियो, फूक दीनी जैसे होली, जला दिया उसको। बिलक बिलक कर तिरिया रोवे, तुम्हारी पत्नी बिलक बिलक कर रो रही है, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी, मेरा पार्टनर जोड़ीदार छूट गया, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। जिसने जोड़ी बनाई उसने तोड़ी, जरा हल्के हाको हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे हाको मेरे राम गाड़ी वाले। यात्रा धीरे धीरे की है, पर इस यात्रा में अदम्य हिम्मत साहस की आवश्यकता है। एवरेस्ट पर चढ़ना आसान है, पर यह मार्ग उससे भी कठिन है। काम विकार को जीतना हो सकता है, पर ये मार्ग उससे भी कठिन है। कोई सारे विकारों को भी जीत सकता है, परंतु ये यात्रा उससे भी कठिन यात्रा है। पर हाँ, यदि एक को जीत लिया तो हिम्मत आती है, हम दूसरे को भी जीत सकते हैं। एक विकार को जीता तो दूसरे विकार को जीतने का साहस बढ़ता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर चढ़ती, तो बार पिसलती, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। गुताकर गहरे पानी में जाता, डुबकी लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। बस प्रयत्न करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो,
असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और स्वीकार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्रयत्न सतत हो। निरंतरता कुंजी है सफलता की। साधना निरंतर चालू रहे और हर दिन एक नया अवसर है। किसी ऑफिस में एक स्त्री और एक पुरुष काम करते हैं। ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है और ऑफिस के बाकी कर्मचारी देखते हैं वो जो पुरुष है जब भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है अपने वैलेट से अपनी बटुए से खोलता है उसमें एक फोटो देखता है और जैसे ही फोटो देखता है एकदम उसको उमंग उत्साह फिर आ जाता है, खुशी लौट कर आ जाती है, वो ठीक हो जाता है और अपना काम करता है। वैसे ही लोगों ने यह भी देखा वो जो स्त्री बैठी है जब ऑफिस में बहुत टेंशन होता है वो अपनी पर्स से एक फोटो निकालती है, फोटो को देखती है और रखती है और एकदम खुश हो जाती है और फिर साहस भर जाता है। लोग उस पुरुष से पूछते आखिर तुम वो किसकी तस्वीर देखते हो? वो कहता है मेरी पत्नी की। वो कहते हैं अच्छा तुम्हारे पत्नी से तुम्हें इतना प्यार है कि उसकी तस्वीर देखते ही तुम में पावर आ जाती है टेंशन के समय में। वो कहता है ना ऑफिस की जो प्रॉब्लम्स है जब मैं इसको देखता हूं तो मैं ये सोचता हूं जब मैंने इसको सहन कर लिया तो इसके सामने ये सब क्या है, कुछ भी नहीं है। उस स्त्री से पूछा जाता है आप किसकी तस्वीर देखती हो? वो कहती है मेरे पति की। तुमको इतना प्यार है अपने पति से कि उसकी तस्वीर देखते ही तुम में पावर आ जाती है? वो कहती है नहीं, मैं ये सोचती हूं कि अगर मैंने इसको झेल लिया तो ये ऑफिस की समस्या है, प्रॉब्लम टेंशन क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर इसको पार कर लिया तो बाकी को पार किया जा सकता है। जीवन में अब तक के जीवन में अपने हर ब्राह्मण जीवन में हर एक अगर देखे मेरे जीवन में कितनी परिस्थिति आई जब से ब्राह्मण बने या जब से जन्म लिया तब से और अभी यहां बैठे हैं, यहां है इस समय इस संगम युग पर टॉप का पॉइंट है सुबह का वरदान। यहां बैठ के अपने जीवन की को देखना है, दूर से देखना है, ऊपर से कहां क्या हुआ। देखेंगे तो कितने बहादुरी वाले काम हमने किए, कितनी निंदा, कितनी ग्लानि, कितनी बार अपमान हुआ, सहन किया ना, स्वजनों ने शरीर छोड़ा, स्वजनों ने धोखा दिया, कितना क्या क्या कुछ हुआ, पर फिर भी सबके साथ आज यहां खड़े और कितने स्थिर खड़े। इतने दुखी नहीं है जितने संसार के लोग है, इतने डिप्रेशन में नहीं चले गए जितने संसार के लोग डिप्रेशन में चले गए। हम खड़े तो है। अगर ये मैंने सब किया तो ये सब क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। और अच्छा ही हुआ ये सब कुछ हुआ, उससे अनुभवी बने, शक्तिशाली बने, नहीं तो कमजोर रहते थे। आज की मुरली मूडी, कभी खुश कभी दुखी, ऐसे लोग सेवा नहीं कर सकते। मुझे उसने कुछ कह दिया, मुझे दुख हो गया, जाओ हम सेवा ही बंद कर रहे। मूडी लोगों सेवा नहीं कर सकते। सेंसिटिव नेचर अर्थात आधी मृत्यु, HSP हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी, छुई मुई नहीं होना है। कहने वाले कहेंगे, बोलने वाले बोलेंगे, टॉन्ट्स कमेंट्स क्रिटिसिज्म ये तो होना ही है, हर मार्ग में होगा, चाहे ऑफिस में काम कर रहे, संसार में, घर में है, सब कुछ होगा। परंतु रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना ना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और ये जो प्राणिक मार्ग है इसकी तीन विशेषताएं हैं। सबसे पहला ये है टेरा इनकॉग्निटो,
टेरा इनकॉग्निटो अर्थात अज्ञात क्षेत्र है। इसमें क्या होने वाला है किसी को ही नहीं पता, क्योंकि इस मार्ग पर बहुत कम लोग चले हैं, इसलिए इट इज नोन एज टेरा इनकॉग्निटो, अज्ञात है। आगे क्या होने वाला है पता नहीं, एक ऐसे क्षेत्र में अज्ञात में छलांग है, पहला। दूसरा, इसके विषय में साहित्य बहुत कम है, किताबें अनुभव लोगों के बहुत कम है। और तीसरा, हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं है इसका साहित्य, जो साहित्य है दूसरे दूसरी भाषाओं में, हिंदी में कोई किताब नहीं है। नेचर की ओर पर किताबें हैं, नेचुरोपैथी पर किताबें हैं, और बहुत सारी प्राणिक हीलिंग पर बहुत सारी किताबें हैं, पर प्राणिक लिविंग पर बहुत बहुत कम साहित्य है। इन तीन चीजों की वजह से यह मार्ग थोड़ा सा दुर्लभ है, दुर्गम चोटी पर चढ़ने जैसा है, परंतु फिर भी जो प्राप्तियां है बहुत ज्यादा है। एक दिव्य देह की प्राप्ति होगी, कल हमने 21 बातें देखी थी इस दिव्य देह की, जो अभी अभी कॉमेंट्री में सारी रिवाइज की। ये देह कैसा हो जाएगा, अलौकिक, कहीं से भी सुनाओ, आगे पीछे ऊपर नीचे से। और ये अभ्यास इधर करते रहना है, सोते समय, उठते समय, चलते फिरते, जागते जागते, एक प्रोग्रामिंग बनानी है, एक कमेंट्री करनी है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। बाहर कुछ भी करते रहो, खाते रहो, पीते रहो, जो करते रहो, पर अंदर ये प्रोग्रामिंग चलती रहे, मैं भूख से मुक्त हूं, मैं प्यास से मुक्त हूं, मैं निद्रा से मुक्त हूं, मैं अलौकिक शरीर है मेरी, मेरी ये शरीर की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, चाहे कोविड फिर आ जाए मुझे कुछ नहीं होगा, म्यूकस फ्री है शरीर, बलगम से मुक्त है, टॉक्सिन से फ्री है, केमिकल से फ्री है, बीमारी से फ्री है, भूख से मुक्त है, रोग से मुक्त है, तापमान का कोई प्रभाव नहीं है, नींद की आवश्यकता बहुत कम है, बहुत लोच वाला शरीर है और बहुत शक्तिशाली है, बहुत पवित्र है, अंग अंग में पवित्रता है, मेरे अंग अंग में पवित्रता है, और लाइट से भरा हुआ है, प्रकाश ही प्रकाश है। ये कितना अच्छा एक्सपीरियंस है योग में, कुछ नहीं कर रहे, बस ये अनुभव कर रहे, ऊपर से नीचे तक प्रकाश ही प्रकाश, हाथ में प्रकाश, दाएं हाथ में प्रकाश, बाएं हाथ में प्रकाश, छाती में, पेट में, पीठ में, पैर में, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश, ऊपर ही ऊपर से नीचे तक प्रकाश ही प्रकाश। कंचन काया है ये, काया पलट हो चुका है, काया कल्प हो चुका है, देवताओं का जो शरीर है वो मुझे अभी प्राप्त है, अभी इसी समय, अब भी अनुभव हो रहा है फरिश्तों के शरीर का इसी क्षण में, यात्स देही यात्स जन्मी, अभी अभी। और ये शरीर की विशेषता, दिव्य शरीर की विशेषता, ये ग्लोइंग है, प्रकाश से भरपूर है, और ग्लो है, और हल्कापन है, 24 घंटे हल्कापन रहता है, कहीं ठोसपन, जड़ता, स्थूलता नहीं है, अनुभव है तरंग ही तरंगे है, लिक्विडिटी, तरंगे ही तरंगों का अनुभव है। और बुढ़ापे से मुक्त है, वार्धक्य इसे स्पर्श स्पर्श नहीं कर सकता, चीर यौवन में हूं, फाउंटेन ऑफ इटर्नल यूथ, मृत्यु से मुक्त हूं और बुढ़ापे से मुक्त हूं, बुढ़ापे आ ही नहीं सकता है, बुढ़ापे के कोई चिन्ह मुझ में है ही नहीं, नहीं तो लोग ये स्वीकार कर लेते, अच्छा भी बुढ़ापा चालू हो गया ना, सुनाई नहीं देता है, दांत गिर जाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता है, ऐसे झुक जाते, ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसमें व्यक्ति ऐसा झुकता है, पर वो मन की कंडीशनिंग है जिसमें व्यक्ति ऐसा झुक जाता है, मन पीठ को झुकाता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, और पेन फ्री, कोई दर्द नहीं है, कहीं कोई दर्द नहीं, अगर हो भी तो कहो अनित्य है, अनित्य है, ये दर्द आज है, थोड़ी देर में चला जाएगा, क्या इसके पीछे लगू, अभी यहां है, अभी वहां है, अभी वहां है, वहां है, कोई दर्द नहीं है। और ये क्रेविंग से मुक्त है, वॉइसलेसनेस, विकारों की जो उत्तेजना है इस शरीर में वो है ही नहीं, और ऐसा शरीर में एक स्वस्थ मन निवास करता है, एक मन जो चिंतनशील है। आज सुबह की मुरली, नए नए टॉपिक्स निकालो, अगर कहोगे स्थापना पालना और विनाश तो दुनिया वाले कहेंगे ये तोते मोफिक पड़े हुए हैं, स्थापना पालना विनाश नहीं, स्थापना विनाश और पालना, ब्रह्मा और विष्णु, ये कहानी, ये टॉपिक है, इतना 84 जन्म लगे उसके नाभि से निकलने को ब्रह्मा को,
कितना बढ़िया टॉपिक है। टॉपिक निकालो, मुरली से टॉपिक्स निकालो, मुरली मिस ना करो। परंतु बाप जानते हैं अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली की परवाह नहीं करते, समझते हैं हम होशियार है। अच्छा, मुरली की लास्ट लाइन, बाबा भी बीच में इसे फिलर कहते हैं उसको, नॉर्मल बात करना और एक छोड़ देना है बीच में ही, एक तीर लगा देना बीच में ही हंसी मजाक में, तुम ये हो तुम वो हो तुम महारथी हो तुम ऐसे हो। और लास्ट में बाप ये भी जानते हैं कि मुरली की परवाह नहीं करते, सुस्त रहते। तो इस मार्ग में साहस की आवश्यकता है, अदम्य साहस की आवश्यकता है। जब हम नए नए ज्ञान में आए थे, सभी लोग, बहुत कम ऐसे हैं जिनका परिवार ही ज्ञानी परिवार में हुआ, उन्हें कोई मुश्किल नहीं हुई, कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, सहज सब कुछ हो गया, कोई घर से कोई विरोध नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। परंतु अधिकतर उन्हें सामना करना पड़ा विरोध का। 16 प्रकार के सामने जो हर एक को करने पड़े। तो जब जो वहां हुआ था वो इस मार्ग में भी होगा, जो तब हुआ था अब उस सब के लिए तैयार हो जाओ। उस समय क्या क्या हुआ था, किन किन चीजों के लिए विरोध हुआ था, ऐसी 16 बातें हमने निकाली है। सबसे पहला था प्यूरिटी। सबसे पहला विरोध किस बात के लिए हुआ था, प्यूरिटी के लिए, कि बाकी सब तुम्हारा ठीक है ब्रह्मा कुमारी का, भले जाओ, पर ये कहां से लाया। बाकी तो पतियों को तो खुशी होती है कि पत्नी धर्म अनुष्ठान में रहे बिजी, मंदिर जाए रोज, वो तो उनको अच्छा लगता है, उनके लिए अच्छा है वो, प्रोटेक्शन, मतलब क्या कहेंगे थोड़ा शांत रहेगी परंतु ये कहां से लाया तुमने। शुरुआत शुरुआत में तो ठीक, पर धीरे धीरे जैसे उनको पता चलते गया फिर विरोध चालू हो गया। शुरुआत में कितनी महिमा हुई यज्ञ की, जब चालू हुई ओम मंडली बहुत महिमा हुई, पर जैसे जैसे पता चला धीरे धीरे, ये है इसमें ब्रह्मचर्य, फिर तो प्रॉब्लम चालू हो गया। सिंधवर की जब आने लगे वो सारे पति विदेश से, तो प्रॉब्लम चालू हो गया। सबसे पहला विरोध हुआ प्यूरिटी, दूसरा फूड, इन्होंने अपनी माँ के हाथ का खाना बंद कर दिया। कितने सारे कुमार है, माँ के हाथ का ही खाना बंद कर दिया, ये सेकंड विरोध। या फिर रिश्तेदारों के हाथ घर जाते हैं तो खाते नहीं है, ये सेकंड विरोध चालू हुआ यहाँ पर। तीसरा, व्हाइट पहनना चालू कर दिया, क्रिश्चियन बन गए। तो ब्रह्मा कुमारी इसका विरोध 80s तक था, बहुत ज्यादा 80s, मिड 80s तक, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा कम हुआ। 60s यहां आए तो भी विरोध था ही, 60s में 80s में विरोध कम हुआ जबकि विंग्स बनी धीरे धीरे बड़े बड़े जगह पर छोटी छोटी जगह पर तो आज भी होगा। अगला है वाइट, फिर आया विरोध बैच के लिए, बैच क्यों पहन रहे हो, इसलिए कई लोग बैच ही नहीं पहनते, और पहनते तो इतना छोटा कि है भी और नहीं भी है, दिखाई ना दे, और बीके मिल जाए तो कहेंगे ये है छोटा सा, और जो नहीं है उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो दोनों तरफ प्ले सेफ, उनके लिए हम ज्ञान में नहीं है और इनके लिए हम है, बैलेंस, बैच। अगला विरोध सेंटर पर जाने के लिए विरोध, बाकी सब ठीक है पर वहां नहीं जाना, बस राम कथा सुनने जाओ, भागवत कथा सुनने जाओ, जहां जाना है भजन कीर्तन मंदिर पूजा सब करो, ये बीके वाले सेंटर पर नहीं जाना, ये एक विरोध। अगला विरोध, ये लिटरेचर नहीं लेके आना उधर का, किताबें लेके आते हैं ना, माँ बाप बुक्स जला देते हैं, लिटरेचर लाना नहीं। अगला ये ट्रांसलाइट और ये शिव बाबा का बल्ब फेंक देते, ये क्या करते रहते हो, लाइट को देखती रहती हो दिन भर,
अंधेरा करके। कुछ तो जादू टोना, कुछ तो है गड़बड़। ये पुरानी बात है, आज तो इतना नहीं होगा ये सब विरोध, पर ये सब था। उसके बाद में मुरली मुरली पढ़ती रहती है, बाकी कुछ नहीं पढ़ते। हमारे धर्मशास्त्र रामायण गीता भागवत पहले ये पढ़ते थे, ये क्या चालू है? ये भागवत पढ़ो गीता पढ़ो, ये क्या पढ़ना चालू है तुम्हारा? इसके लिए विरोध। फिर उसके बाद अगला सेंटर पे सेवा, घर का काम नहीं करती माता और वहां जाके सेवा करती सेंटर पर सेवा। उसके बाद में अगला ज्ञान सुनाना, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। कल ही एक माता आई थी ओपीडी में, कह रही थी, उसको कहा ये खून की जांचें करनी हो, कहती है पैसे ही नहीं है। मैंने कहा कम से कम लिखा है, वो थी बस अभी जाना है उतने पैसे रखे, और उसका बेटा है 20 साल से उससे बात नहीं किया है उसके साथ। जब से ज्ञान में आई तब से बेटा ने बात नहीं किया, बाजू में घर बना के रहता है पर बात नहीं करता है और नफरत करता है, एकदम घृणा है उसके मन में मां के प्रति। तो फिर अगला मधुबन में जाना, छुप छुप के आते हैं लोग मधुबन में अभी भी, बहाना करके आते, कॉन्फ्रेंस जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, ऑफिस के काम का कोई टूर है वगैरह वगैरह, मम्मी के घर जा रहे मधुबन में जाना, उसके लिए विरोध। उसके बाद नेक्स्ट अमृत वेला भी उठ के क्या करते रहते पता नहीं, ध्यान में बैठते समाधि में बैठते सबकी नींद खराब कर देते, वो एक विरोध। अगला और विरोध, उसके बाद में यज्ञ में पैसा देते बिना हमसे पूछे, घर वालों से पूछे, सेवा वहां पर सेवा दे रहे, किससे पूछ के सेवा दी, और ये सारा जितना कमाते सब उसमें डाल देते, पूरा लूट लिया ये लोगों ने। ये भी एक पॉइंट है। अगला लौकिक पढ़ाई को निग्लेक्ट करते हैं, जैसे कोई कुमार कुमारी ज्ञान में आ जाते हैं वो पढ़ाई में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, इधर वैराग जाग जाता है, एकदम वैराग। उसके बाद में लौकिक जो ड्यूटीज है माता है भाई वो निग्लेक्ट करने लगते, घर की ड्यूटीज बाबा कहते तोड़ निभाओ। इसमें और एक सूक्ष्म बात है बहुत, जितना जब भी हम ज्ञान कोई भी जिस मार्ग पर चलता है और उसे विरोध होता है तो अंदर एक विद्रोही चेतना जागती है और अहंकार जागता है, हम फिर वही करते हैं जिसके लिए मना किया जाता है, हमको कहेंगे नहीं जाओ तो हम जाके दिखाएंगे, तो यहां पर अहंकार का भी पोषण होता है। यह हमें पकड़ में नहीं आता है उस समय, हमें लगता है हम सब सही कर रहे हैं राइट कर रहे, पर हो सकता है वो घर वाले राइट हो, क्योंकि यहां हमारा अहंकार बोल रहा है, इसलिए हम घर की ड्यूटीज निग्लेक्ट करते हैं घर के काम। अगला एक नशा चढ़ जाता है सरेंडर होने का, भयंकर नशा, कुछ भी करने के लिए तैयार, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते। समर्पण बहुत सूक्ष्म घटना है, समर्पण का संबंध चार चीजों से नहीं है, पहला वस्त्र, दूसरा बैच, तीसरा रहने का स्थान और चौथा समारोह, ये चारों ही बहुत स्थूल बातें हैं। समर्पण चेतना का रूपांतरण है, समर्पण केवल शरीर का समर्पण नहीं है कि सुबह से लेकर रात तक कोई सेवा कर रहे, ये समर्पण नहीं है, यहां तो संकल्पों का समर्पण, संस्कारों का समर्पण, ये कितने सूक्ष्म समर्पण है। स्थूल समर्पण तो बहुत आसान है परंतु सूक्ष्म समर्पण कठिन है। उसके बाद में अपने परिवार से पूरा डिस्कनेक्ट कर देते हैं, संबंध ही तोड़ देते हैं सारे, और इससे बहुत बड़ी एक डिससर्विस भी होती है।
पूर्ण संबंध तोड़ देते हैं। तो ये सारी चीजें तब हुई है, हर एक के साथ हुई होगी। और इसमें ये नहीं समझो कि हम ही राइट थे और वो घर वाले गलत थे, हो सकता है वो भी राइट थे बहुत जगह पर, वो भी राइट थे, क्योंकि यहां पर हमारा अहंकार काम कर रहा था उस समय। क्योंकि वैराग अपने साथ अहंकार को ले आता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सब मर जाओ तो भी चलेगा। एक कुमार ने पूछा था, संदेशी को बोला कि पूछो बाबा से मेरी मां कब मरेगी। परंतु हमें इस संसार में लाने के वो लौकिक मात पिता निमित्त बने थे, चाहे वो कैसे भी हो, कैसे भी, कितना भी विरोध करने वाले और कितना भी अज्ञानी, फिर भी। और आखिरी ये बीकेस के साथ मिलते हैं, घूमते हैं फिरते, ये पसंद नहीं, बाकी लोगों के साथ नहीं घूमते, बीकेस के साथ ही घूमते, इसके लिए भी विरोध हुआ है। तो ये ऐसे 16 पॉइंट्स है विरोध के, 16। शादियों में बाबा तो कहते जाओ, कोई कोई जाते भी होंगे सेवा करने, उसके लिए भी तो विरोध है, जहां जाओ वहां पर आत्मा परमात्मा चालू कर देते। हम खुद याद है, हमें एक गांव में हम जाते थे, एक बुजुर्ग भाई थे उनके साथ, जब नए नए ज्ञान में आए थे, तो जैसे गांव में प्रवेश किया वो वहां लोग बैठे थे, ये आ गए आत्मा परमात्मा वाले, फर्स्ट कॉमेंट यही सुनने को मिला, ओम शांति वाले, आत्मा परमात्मा वाले, बर्मा कुमारी वाले। तो जैसे जब हम आए तो ये सब हुआ, और इसमें कहीं कहीं हमारी भी गलती थी, ये हमने देखा नहीं, हमेशा सोचा उनकी ही गलती थी। परंतु अगर हमारी गलती न भी हो या हो, परंतु एक चीज तो जरूर है, हम में एक साहस ने जन्म लिया था उस समय, और वो नया नया साहस था, पहला साक्षात्कार था साहस के साथ, कि साहस ऐसा होता है। और जो भी विरोध हुआ, अपोजिशन हुआ, जो कुछ हुआ, वो सबको हमने पार किया है, और कईयों ने ज्यादा किया, कईयों ने बिल्कुल भी, हाँ, जो कभी बोलते नहीं थे दूसरों के सामने, उनमें इतनी शक्ति आ गई, शिव शक्तियां बन गई, वो घर को शमशान बना दिया। अच्छा, इस पे तो हर एक के अपने अपने अनुभव होंगे, ये घर को क्या कर दिया, शमशान बना दिया, और शाम को बैठते लाल लाइट जलाकर, हाँ, और हमारे हाथ का नहीं खाते वो, जैसे बताए भोजन, हम क्या पति थे, हम क्या भिखारी है, हम भ्रष्ट है, हमारे हाथ का नहीं खाते, कमाल है। वो कहते घर का है, हमारे घर का बना हुआ है, हमने खुद बनाया, पूरा नहा धो के सब कुछ, आरती पूजा करके फिर बनाया हुआ, अब तो खाओ, मतलब तुम क्या हो, तुम मतलब हम शूद्र है, तुम क्या समझते हो अपने आप को, कितने अहंकारी लोग है, बीकेएस बहुत अहंकारी है। पहले इतना बेचारा मासूम कुमार कुमारी थी, जब से बीकेएस में भर्ती हो गए ना, तब से ये अहंकारी बन गए, सब बिगड़ गए, एकदम ही बिगड़ गए। एक भाई था जो ज्ञान में आया, तो कई समय ज्ञान में, फिर लौकिक में गया, तो उसके रिश्तेदार को, अरे तुम उसमें चले गए, तुम तो अच्छे थे ना पहले, ऐसे कैसे हो गया, मतलब एकदम ऐसे शॉक हो गए वो, ऐसे कैसे हो गया ये, तुम तो एकदम ठीक ठाक थे, ऐसे पूछ रहे हो उसको। तो दोनों ही चीजें, साहस भी था, पर साथ में ये भी चेक करना है कि अहंकार ना हो उस साहस में, नहीं तो इसमें भी अहंकार आता है, मैं वैरागी हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं तुम सबसे अलग हूं, सबसे अलग, असाधारण होने की इच्छा, ये अहंकार है, जो कोई नहीं कर सकता वो मैं करके दिखाऊंगा। ये बात बहुत अच्छी है, पर इसमें असाधारण होने की जो इच्छा है,
वो अहंकारी बना देती है। उससे अच्छा है जो साधारण कार्य है वही असाधारण रीति से करो। कबीर क्या था? जुलाया, कपड़े बुनने वाला, परंतु उसी कार्य को उसने छोड़ा नहीं, वही वैसा ही रहा वो अंत तक। ये जो गृहस्थी संत थे वो वैसे ही रहे। आज बाबा ने कहा गरीब निवास हो गृहस्थ में आता हूं, तुम यहीं रह के करो, गरीब के इससे पाई पाई से कमाई है, पाई पाई सफल करते हैं। तो इस मार्ग में भी साहस की आवश्यकता है, परंतु अहंकार ना आए। और व्यक्ति को भोजन एक ऐसा टॉपिक है उसका सबसे ज्यादा अहंकार आता है, हम तुम्हारे हाथ का नहीं खाते, हम बाहर का नहीं खाते, अहंकार से भरे हुए होते। और इसके आगे और जाओ तो और ज्यादा अहंकारी हो जाते, अहंकार बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते। अहंकार ऐसी चीज है कि कहीं पर भी आ सकता है, कहीं पर भी, कैसे भी। तो ये ध्यान रखना है कि जो हम करें उसका प्रदर्शन ना हो, पहली बात। दूसरों को सिखाना चालू नहीं करना है जब तक हम उसका स्वरूप नहीं बने हैं, उसकी चर्चा ही नहीं करनी है जब तक आप स्वरूप नहीं बनते। चुपचाप अपने ऊपर प्रयोग करते रहो। दूसरों को सिखाने जाएंगे, समझाने जाएंगे, बहुत बड़ी रिस्क है, बहुत बड़ी रिस्क है, बहुत बड़ी रिस्क है। इसलिए धीरे धीरे और गुप्त रीति से स्वयं को संयम में परिपक्व बनाना है, धीरे धीरे धीरे। ऐसा ना हो जाए कि हम दूसरों के दुखों का कारण बन जाए, उपद्रव का कारण बन जाए, सारे लोग परेशान हो जाए। जब से तुम इसमें घुसे और जब से ये करना चालू कर दिया, तब से सारी दुनिया परेशान, घर के सब लोग परेशान। जैसे एक घर में फोन करता है एक व्यक्ति, छोटा सा बच्चा फोन उठाता है, हेलो, वो कहते हैं अच्छा तुम बोल रहे हो, पहचान का कोई अंकल है, अपने पापा को बुलाना। वो कहते हैं पापा बिजी है। कहते हैं अच्छा, मम्मी को बुलाना। छोटा बच्चा कहते हैं मम्मी भी बिजी है। अच्छा, बड़े भाई को बुलाना। वो कहते हैं बड़ा भाई भी बिजी है। कहते हैं ऐसा क्या हो रहा है तुम्हारे घर में जिसमें सब बिजी, और कौन कौन है घर में? वो कहते हैं पुलिस वाले है। तो कहते हैं एक पुलिस वाले को बुलाना। वो कहते हैं पुलिस वाले भी बिजी है। वो अंकल एकदम परेशान होते, ऐसा हो क्या रहा है तुम्हारे घर में, और कौन है घर में? वो कहते हैं फायर ब्रिगेड वाले आए हैं। वो कहते हैं उनको बुलाना। वो कहते हैं वो भी बिजी है। तो अंकल पूछते आखिर सब बिजी किस में है? वो छोटा बच्चा कहते मुझे ढूंढने में। किस में बिजी है? सबको किस में बिजी कर दिया घर में आग लगाकर। घर वाले सब ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? इसको। और ये निश्चिंत है, सब उसको बिजी, सबको बिजी करके, सबको दुखी करके। ऐसा नहीं बनना है उपद्रवी बालक। हमसे कोई दुखी ना हो, हमसे कोई परेशान ना हो, हमारी वजह से दूसरों के संकल्प ना चले। नहीं तो ये भी एक है कि जब बहुत ठंड होती है हमें बिल्कुल ठंडी नहीं लगती है, हम बिल्कुल ऐसे कुर्ता पैजामा पहन के घूम रहे हैं, 10 डिग्री है जानबूझ के, वो भी 5 डिग्री है, ताकि दूसरे पूछे तुमको ठंडी नहीं लगती? नहीं लगती, हमारा भोजन ही ऐसा है। इसमें अहंकार को तृप्ति मिलती है, अहंकार हर रीति से तृप्त होना चाहता है। अहंकार की खोज होती है प्रशंसा, हर रीति से मुझे, बाकी इधर से कोई प्रशंसा नहीं करता, चलो इसी में प्रशंसा हो जाए, ये प्रकृति जीत है, वो भी अपने तक ही रखो। हमें याद है जब हम नए नए ज्ञान में आए थे, एकदम इसी ये नवंबर 15 यही मास थे, यही समय था, तो आए तो थे तो एक पॉलिथीन था हाथ में जो लेकर आए थे नीचे से, उसमें एक कुर्ता पैजामा था और एक चप्पल, वो भी टूटी, बस इतना ही सामान लेकर आए थे। 2003 नवंबर 15, 30 नवंबर को बाबा को मिले, 15 दिसंबर को हॉस्पिटल ज्वाइन करने आए, नीचे से ऊपर आ रहे थे, नागपुर सेंटर का एक समर्पित भाई थे, प्रेम भाई अभी भी है, उनके साथ आ रहे थे ऊपर। तो उन्होंने कहा तुम कहाँ रहोगे? हमने कहा ये तो पूछा ही नहीं हमने कि सर कहाँ रहना है। हाँ वो शंकर मठ दिखाता आते थे, शायद वहीं रह लेंगे, क्योंकि मुझे हमें ये नहीं पता था यहाँ एकोमोडेशन भी मिलता है करके। तो उन्होंने कहा फिर अच्छा, तो तुम सामान कहाँ है? हमने कहा सामान तो बस एक ही है, पॉलीथिन, जिसमें कुर्ता अभी अभी खरीदा है बाहर से, शांतिवन के बाहर से, व्हाइट वाला, व्हाइट था नहीं कुछ,
तो अच्छा, तो फिर ऊपर आ गए। तो फिर हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर प्रताप से मिले। तो उन्होंने कहा, तुम्हारा सामान किधर है? हमने कहा यही है। फिर उन्होंने वो किचन के घनश्याम भाई को बुलाया, उसको बोला, हमने कहा तुम, उन्होंने कहा ये डॉक्टर को ये नहीं चलेगा, कुर्ता पैजामा नहीं चलेगा, वो शर्ट पैंट चाहिए। तो इतना दुख हुआ हमको, हमने कहा वो तो हमने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। पर अभी वापस तो घनश्याम भाई को बुलाया, फिर वो हमको लेके गए मार्केट कपड़े खरीदने के लिए। तो वो शुरुआत थी। तो ये सब चीजें भी, तो हाँ जो हम बात ये बता रहे थे, तो फिर मुरली क्लास चालू किया। अब ये सब हमारे पास था नहीं कुछ, तो वैसे ही आके बैठ जाते थे एकदम सामने, सुशील भाई, श्रीमंत सर और उनके बाजू में हम। तो एक भाई कुछ दिनों के बाद आए, कौन सा भाई था पता नहीं, वो कह रहे लोगों के संकल्प चल रहे, तुम ना स्वेटर पहना करो। बोला अच्छा। इसलिए पहना करो कि संकल्प ना चले दूसरों के, तुमको ठंडी नहीं लगती बहुत अच्छी बात है, पर इसके संकल्प चल रहे हैं लोगों के। हमने कहा ये ठीक है। तो अहंकार जो है वो तृप्ति चाहता है कहीं से भी, जो करना है करो भले ठंडे पानी से ना हो, पर उसका दिखावा, उसका आडंबर, उसका शो ऑफ, क्योंकि आत्मा इसका शो ऑफ करना चाहती है हर चीज जो वो करती है। हम इतने बजे उठते हैं, 2 बजे उठते हैं, पर 2 बजे उठने वाले देखा है उनकी स्थिति कोई इतनी अच्छी दिखाई नहीं देती है दिन भर। ये भी प्रैक्टिकल अनुभव है, ताकत उनमें ज्यादा होती है तो पावर भी थोड़ा ज्यादा दिखाते, ये भी देखा गया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये। तो बाकी लोग परेशान है उनकी वजह से, ये देखा गया है, क्या करें अभी, ये सत्य है। इसलिए ये भी नहीं कह सकते कोई 2 बजे उठते तो बहुत बड़े योगी हो गए, कोई ठंडे पानी से नहाते तो योगी हो गए, कई कच्चा भोजन खाते तो बहुत महान हो गए। हो सकता है उनमें क्रोध बहुत ज्यादा है और ज्यादा चिड़चिड़ापन है और अहंकार है दूसरे के प्रति, हेय दृष्टि से देखते हैं, ये भी होता है, अहंकारी बन जाते हैं। एक्चुअली अध्यात्म का बाहर के खाने पीने से पहनने से किसी चीज का कोई संबंध नहीं है, ये सब बाहरी अवलंबन है बस, ये सारा खेल भीतर है, अंदर का है। अगर कोई कपड़े पर्टिकुलर वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी बन जाता है, तो महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि ये सन्यासी के वस्त्र इस गधे को पहना दो तो ये गधा भी योगी बन जाएगा फिर तो, ना तो ये बैच, ना तो ये वस्त्र, ना तो कोई पर्टिकुलर दिनचर्या, कुछ भी नहीं, हम कितना निरंकारी बने हैं, बस वो है अध्यात्म की परख, कितना सच्चाई है हृदय में वो है अध्यात्म की परख, कितनी सफाई है, कितनी शुद्धि है, कितनी पवित्रता है। तो साहसी अर्थात जिसमें 8 चीजें होनी चाहिए, निश्चय बुद्धि, एक मुरली है, बहुत सारी मुरलियां है पर एक मुरली है जिसमें ब्रह्मा के लिए बाबा ने कहा है विजय रत्नों की निशानी, पहली निशानी निश्चय। साहसी अर्थात जिसे निश्चय है इस मार्ग पर कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं वो राइट है, और इस मार्ग पर सभी नहीं चलेंगे, बहुत कम चलेंगे, बहुत कम, मैनी आर कॉल्ड फ्यू आर चोजन, जीजस का स्टेटमेंट है कि बहुत सारे आए पर बहुत कम चुने गए इस मार्ग पर चलने के लिए। तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग पर भीड़ बहुत कम है, पुरुषार्थ के मार्ग पर बहुत भीड़ है, तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग पर बहुत भीड़ कम है। तो सबसे पहली चीज निश्चय, ये जो है ये विजय रत्नों की 8 निशानी है, विजय रत्न में वही आएंगे 108 में जिनमें ये 8 बातें होगी, नहीं तो वो 108 की माला में नहीं आ सकते। पहला है संपूर्ण निश्चय, ये निश्चय कि मैं श्रीमत पर हूं, मैं आत्मसंयम के मार्ग पर हूं, मुझे अशरीरीपन का अनुभव करना है, एक लालसा, एक ललक, एक तीव्र जिज्ञासा हो, इंटेंस डिजायर, मुझे अनुभव करके रहना है यह अशरीरी अवस्था होती क्या है। अभी इतनी तीव्र इच्छा नहीं है, है पर ढीली ढाली है। दूसरा है संपूर्ण प्रीत बुद्धि, बाबा से संपूर्ण प्रेम और बाप से प्रेम अर्थात इस यज्ञ से प्रेम, चाहे यज्ञ निवासी कैसे भी हो, फिर भी
वो भगवान का परिवार है। ये नहीं कि उनकी जाके तारीफ करो, उनकी महिमा करो या अत्याचार सहन करते रहो, ये नहीं। परंतु फिर भी हमें पता है ये जो भी है ये सब एक बाप की संतान है और इनकी चुनी हुई रत्न है, हमारे हिसाब किताब ज्यादा है बस। तीसरा है संपूर्ण माया जीत, संपूर्ण प्रीत बुद्धि, संपूर्ण निश्चय बुद्धि, संपूर्ण माया जीत, कंप्लीट माया को जिन्होंने जीता है वो है निश्चय बुद्धि। इसके लिए बहुत साहस चाहिए। काम को भी जीत सकते हो पर भोजन की आसक्ति का त्याग करना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जिसने भूख को जीता उसने विश्व को जीता। जिसने भूख को जीत लिया अपने, क्योंकि शारीरिक भूख जाते ही मानसिक भूख नष्ट हो जाती है, बाकी भूख अपने आप तिरोहित होने लगती है। शरीर की भूख ऐसी है कि व्यक्ति को पाप करने पे मजबूर करती है वो भूख। अच्छे से अच्छा भी होगा, चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, क्योंकि भूख ऐसी चीज है, जब भूख लगती है ना और भोजन नहीं मिलता है, कुछ भी कर सकता है वो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, इधर उधर देख लेगा और कुछ खा लेगा दुकान से उठा के। ऐसे बहुत कम निश्चय बुद्धि है जो कुछ भी हो जाए नहीं लेंगे बाहर का, बाहर का भी ले लेते, अपने आप को समझा देते, बाबा ने तो कहा है ना डबल रोटी पाव रोटी खा लो, मजबूरी में इसमें उसमें कुछ भी। बहुत सारी हम अपने मन को ये करते हैं, बहाने ढूंढते हैं। तो संपूर्ण माया जीत। अगला संपूर्ण साक्षी दृष्टा, बार बार साक्षी की स्टेट पर। बाबा ने कहा ना आज टॉप का पॉइंट है संगम, दूर से अपने जीवन को देखो क्या चल रहा है इसमें, कल क्या हुआ, कल भयभीत हो गया था, कल डर लगा था, क्यों लगा था, एंग्जाइटी आ गई थी, कल बीमार पड़ गए थे तो इससे उससे मदद लेनी पड़ी थी, ये भी होगा, कलयुग की शरीर है, फिर भी कुछ ना कुछ तो इसको होगा, चाहे कुछ भी खाओ, क्योंकि इतने समय का जो खाया हुआ है वो थोड़ी ना निकला है। अभी मैं भी 6 मास से ये कर रहे हो वो कर रहे हो, पर जरूरी नहीं है, फिर भी बीमारी तो आएगी, और बीमारी आने के बाद व्यक्ति कमजोर हो जाता है, समझो इतना कमजोर हो जाता है कि कुछ नहीं करने होता है उसे, दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, वो भी लेनी पड़ेगी। इसलिए हर एक से ऐसा व्यवहार करो, ये वही आत्मा है। उस दिन संडे में कहानी सुनाई थी ना कि इस आश्रम में कौन देवता महात्मा यही है जो छिपा हुआ है, पता नहीं किसकी कब मदद लेनी पड़े। इसके लिए किसी की निंदा नहीं करो, किसी की अपमान, किसी की निंदा, कभी भी किसी की भी मदद लेनी पड़ सकती है, बढ़ती है, रोज की बात है। कोई सेवा नहीं करता है, कोई सेवाधारी नहीं मिलता है। एक भाई था बहुत पुराना, कितना 30-40 साल हो गए थे, हॉस्पिटल में भर्ती था, ये 2003 की बात है। तो वो जो सेवाधारी था, 2 दिन हम ही नए थे हम, तो उसको देखा, कुमार था, दिन रात सेवा की उसने, इतनी सेवा की थी 40 साल से, इस यज्ञ में अपनी हड्डियां दे दी, परंतु योग नहीं किया, चिंतन के लिए समय नहीं था, क्लासेस, चिंतन, मनन, अध्ययन, ज्ञान के प्रति वो रुचि नहीं थी, बस बाप को याद करना है आत्मा समझ के, और वो भी बैठ के योग ये सब चीजों में रुचि नहीं थी, रुचि केवल एक ही सब्जेक्ट में थी, सेवा, और सेवा हमारा 4th सब्जेक्ट है, 1st नहीं है। और वो जब बीमार पड़ा, उसका जो सेवाधारी था, हमने देखा वो सेवाधारी 2 दिन था, वो सेवाधारी था भी तो उस सेवाधारी के लिए इतनी कंप्लेंट्स थी उसकी, फिर सेवाधारी छुट्टी पे चला गया, फिर तो कोई भी नहीं था। और फिर हम उसके पास एक बार गए तो वो सुना रहा था, मैंने इतनी सेवा की, अगर मैंने शादी कर ली होती, आज मेरी पत्नी होती, बच्चे होते, मेरी सेवा कर रहे होते। इन दुखी विचारों के साथ ही उसने शरीर छोड़ा। संपूर्ण यज्ञ में समर्पित आत्मा, संपूर्ण स्वाहा कर दिया, परंतु इन विचारों, इन निगेटिव थॉट्स के साथ शरीर छोड़। क्यों? क्योंकि सेवा 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 ही सब कुछ नहीं है, ज्ञान, योग, तपस्या सब चाहिए, सेवा भी चाहिए पर वो भी चाहिए, चारों ही सब्जेक्ट में फुल। तो संपूर्ण साक्षी, उसके बाद में संपूर्ण पवित्रता। इस मार्ग में क्या चाहिए? कंप्लीट प्यूरिटी,
फुल प्यूरिटी, कंप्लीट पवित्रता। इसमें फेल तो सब में फेल, कंप्लीट प्यूरिटी। ये जब तक नहीं होगी वो अष्टरत्न में, वो 108 में, विजय रत्नों में नहीं आ सकते। और इसके लिए बहुत साहस चाहिए कंप्लीट प्यूरिटी के लिए। उसके बाद में अगला निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, ट्रिपल एन। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, ये संपूर्ण ज्ञान योग का, सारी अव्यक्त मुरलियां, सारी साकार मुरलियों का निचोड़ है ये 8 शब्द। संपूर्ण निराकारी अर्थात अशरीरीपन का अभ्यास, संपूर्ण निर्विकारी कोई विकार नहीं, और संपूर्ण निरंकारी जो कुछ हम कर रहे हैं उसका क्या अहंकार और कैसा अहंकार। उसके बाद में संपूर्ण संतुष्टता, किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं है, चाहे जो कुछ हो रहा है सब ठीक हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। और आठवां संपूर्ण विश्व कल्याणकारी, हद में नहीं, मधुबन के कल्याणकारी नहीं, सेंटर के कल्याणकारी नहीं, जोन के कल्याणकारी नहीं, डिस्ट्रिक्ट के कन के कल्याणकारी नहीं, राज्य के कल्याणकारी नहीं, भारत बीकेएस के कल्याणकारी नहीं, सबके सब मतलब सब, और सबके प्रति समान दृष्टि। ऐसा नहीं ये आया तो अच्छा व्यवहार करो, वो आया तो अच्छा व्यवहार नहीं करो, सबके साथ समान। विश्व कल्याणकारी, तो कितनी बातें हो गई, 8। पहला संपूर्ण निश्चय बुद्धि, अपने निश्चय पर काम करना है रोज। इस मार्ग में भी, प्राणिक साहस में भी, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं ये सत्य है, पर अहंकार ना हो, दिखावा ना हो, ढोंग आडंबर ना हो, जो करना है खुद करो, किसी के साथ कुछ भी डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। दिखावे की कोशिश करोगे तो विरोध होगा, विरोध होगा और सामना करना पड़ेगा, लोकापवाद का सामना करना पड़ेगा, अननेसेसरी ऊर्जा उसमें खर्च हो जाएगी, बहुत संकल्प चलेंगे, लोकापवाद कहते हैं उसको, इसमें इसका सामना करना, जो अच्छा लगा चुपचाप ले लो और धारण करो और निकलो आगे, किसी को बताने की क्या आवश्यकता है, चुपचाप करते रहो। आज वैसे भी सैटरडे है, ड्राई डे, लिक्विड डे, फ्रूट डे, जो भी करना है करो, पर जो करना है चुपचाप करो और खुद करो। हमारी वजह से किसी के संकल्प ना चले, किसी को दुख ना हो, कोई विरोध ना करे, सब अपने हिसाब से करो और सबको साथ लेके चले, मिल के चलो सबके साथ। हम 3-4 साल मुंबई में थे, हर पार्टियां होती थी, हम सबके साथ जाते थे, जो टीम रहती थी, आईसीयू टीम, क्रिटिकल केयर की टीम, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, पार्टियां करते थे, हम जाते थे, फ्रूट जूस लेते थे उनके साथ, जो भी है, पर कभी विरोध नहीं किया उनका और उनके साथ, ताकि उनके संकल्प ना चले, उनको ऐसे फीलिंग नहीं आए ये हमको निग्लेक्ट करते, सबके साथ सब करो, परंतु निग्लेक्ट नहीं करने का किसी। तो हम बाहर का नहीं खाते, वो वाली स्टोरी, नया नया परिवार ज्ञान में आया, पार्टी के लिए गए, शादी थी, तो वो समोसा प्लेट पर आया, तो वो भाई जो था, जो नया नया ज्ञान में था, वो समोसे का ऊपर का बाहर निकाल के आलू जो थे वो खाने लगा, तो उसके कहा ये क्या कर रहे हो, वो बोलते हम बाहर का नहीं खाते, हम अंदर का खाते समोसा। तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि पहला, दूसरा संपूर्ण प्रीत बुद्धि, तीसरा संपूर्ण माया जीत, संपूर्ण साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा का 24 घंटे में एक बार तो अभ्यास करना है, वो भी शाम को। ये काम कब करना है, शाम को संगम युग के टॉप पॉइंट पर बैठो, सारी दिनचर्या को साक्षी होकर देखो, पूरे हफ्ते को साक्षी होकर देखो, दूर से देखो मेरे से क्या गलतियां हुई, अपनी अच्छाइयों में बुराइयों को ढूंढो, अपनी पॉजिटिविटी में निगेटिविटी को ढूंढो, अपने निर्विकारिता में विकारों को ढूंढो, अपने ब्रह्मचर्य में काम वासना को ढूंढो, मिलेगी, छुपा तो है। अपने निरंकारी स्वभाव में अहंकार को ढूंढो, कितना अहंकारी हूं मैं, बाप रे क्या करूं, बाबा आप ही कुछ करो, मेरे से तो नहीं होता है। अगला संपूर्ण पवित्रता, अगला निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, अगला संपूर्ण
संतुष्टता अगला, विश्व कल्याणकारी अगला, बस संगम पूर्ण विश्व कल्याणकारी। तो ऐसे ये 8 बातें हैं। अपने साहस को कम नहीं होने देना, आगे आगे बढ़ते जाना है इस यात्रा में, गुप्त रखना है जितना हो सके स्वयं को, अपने पुरुषार्थ को, भोजन का पुरुषार्थ भी, अमृत वेले का पुरुषार्थ भी, चिंतन का पुरुषार्थ भी। हाँ, पर धीरे धीरे गुप्त नहीं रहेगा वो दूसरी बात है, परंतु पुरुषार्थ तो रखो कि गुप्त रहे जितना हो सके उतना। और ये शरीर जो है बहुत ही मूल्यवान है, इसको हल्के हल्के, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी हाते, जरा धीरे धीरे, जल्दी नहीं करो इसको, मारो मत, अभी तक तो पहुंचे क्यों नहीं तुम प्राणी की यात्रा में, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, आज तो बस निर्जला उपवास और शाम तक बेहोश और हॉस्पिटल में। इधर छड़ी आ गई, गाड़ी अटकी रेत में, भाई मजल बड़ी है दूर, धरनी धर्मी पार उतर गए, पापी चकनाचूर, देश देश का वैद्य बुलाया लायो। यही इसी की तलाश थी हमें, देश देश का वैद्य बुलाया लाया, जड़ी और बूटी, जड़ी बूटी तेरे काम ना आई, जब राम के घर की टूटी, चार जना मिलमती बनायो, बांधी काठ की कोड़ी, ले जाकर मरगट पे रखियो, फूक दीनी जैसे होली, बिलक बिलक कर तिरिया रोवे, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी, जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। ओम शांति। अरे धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सी जैसो घड़ा, ऋतु आवे फल हो, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला, ओ जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। अरे गाड़ी भारी रंग रंगी पैया है लाल गुलाल, यदि गाड़ी मारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाल, अरे हाँ कणवाली छे छबीली भाई बैठन वाला हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला, हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। यदि गाड़ी अटकी रेत में भाई मजल पड़ी है तू, गाड़ी अटकी रेत में भाई मजल पड़ी है दूर, ए धर्मी धर्मी पारु तर गन पापी चकना चूर, भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। यदि देश देश का वेद बुलाया लाया जड़ी और बूटी, यदि देश देश का वेद बुलाया लाया बूटी,
एक जड़ी बूटी तेरे काम ना आई, राम के घर की तू नीर भैया।